इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ की खसूसी पेशकश स्पेशल बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करते हैं दहेज जैसी लानत और वबा के उनवान पर। इस्लाम में और दिगर मज़ाहिब में शादी बिल्कुल आसान मरहला है, जिसमें किसी किस्म के खर्च की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन आजकल के शादी ब्याह में इतने खुराफात और गैर ज़रूरी रस्म व रिवाजात आम हो चुके हैं कि शादी के अखराजात आम लोगों की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। इन फजूल रस्म व रिवाजात की वजह से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ लड़की वालों को उठानी पड़ रही है। जहां लड़की का पैदा होना हिंदू धर्म में लक्ष्मी और इस्लाम में रहमत समझा जाता है, वहीं इन फजूल रस्म व रिवाजात और दहेज जैसी लानत की वजह से लड़की का पैदा होना माँ बाप के लिए जहमत बनता जा रहा है। गौर करने वाली एक बात ये भी है कि जो माँ बाप लड़की की शादी में दहेज और दिगर रसूमात के लिए परेशान रहते हैं, वही माँ बाप अपने लड़के की शादी में लड़की वालों के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। बाज़ लड़के के माँ बाप बेधड़क दहेज का मुतालबा यानी डिमांड करते हैं और बाज़ दबे दबे अल्फाज में दहेज का मुतालबा करते हैं, जैसे ये कहना कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आप जो भी देंगे वो अपनी बेटी के लिए तो देंगे, वगैरह वगैरह। अच्छा, बाज़ लोग तो ये भी कह देते हैं कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस दुल्हन एक जोड़ा कपड़े में भी आ जाएगी तो भी चलेगा। लेकिन इनमें से अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं जो शादी के बाद ताने कसने लगते हैं, जो खुसूसन औरतें ही होती हैं। ये कहने लगते हैं कि बोल दिए तो क्या हुआ, माँ बाप को समझना चाहिए, ऐसे ही कोई बेटी को भेजता है, वगैरह वगैरह अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूँ कि इन जैसों से मुंह खोलकर मांगने वाले ही बेहतर होते हैं। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि दहेज लेने में सो कॉल्ड इल्मी दानिशवर भी आगे आगे हैं। अक्सर लोग बेटी की शादी में भीगी बिल्ली बने रहते हैं और यही लोग अपने बेटे की शादी में शेर बन जाते हैं। कुछ एक इलाकों में दहेज और दिगर रसूमात की वबा इतनी फैल गई है कि गरीब माँ बाप को अपनी लड़कियों की शादी करना बड़ा मुश्किल काम बन गया है और दहेज और जोड़े की रकम न जुटा पाने की वजह से कई एक लड़कियों की उम्र ढलती जा रही है। देखा जाए तो दहेज जैसी वबा से पीड़ित मुआशरा और समाज ही है। अगर इस बिगाड़ को मुआशरे वाले मिलकर हटा दें तो सब कुछ सही हो सकता है। इसके लिए चाहिए सब मिलकर कुछ ठोस ऐसे इकदामात करें और खुसूसन इसमें नौजवानों को आगे बढ़ना होगा और ये तय करना होगा कि मेरी शादी मेरे लिए एक ज़िंदगी का बड़ा और खुशी वाला मरहला है, जिसमें अपना जोड़ा खुद की कमाई से मैं खरीदूंगा और शादी के लिए पहनूंगा। शादी के बाद मेरी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है, जो शादी के बाद शुरू होने वाली है, इसके लिए सामान जुटाने में मैं किसी और का मोहताज नहीं बनूंगा। अगर ऐसा हर कोई नौजवान सोचने लगे तो ये बिगाड़ खुद ब खुद माशरे से निकल जाएगा। मोहल्ले की जमातों और तंजीमों को इस जानिब कड़ा इकदाम और कोशिश करनी होगी, जिसके ज़रिए बड़ी हद तक दहेज जैसी वबा से छुटकारा पाया जा सकता है। मज़हब और धर्म के नाम पे लड़ने झगड़ने में तो हम पेश पेश रहते हैं, लेकिन अफसोस समाज की इन बुराइयों के खिलाफ लड़ने में हमें सांप सूंघ जाता है। इतिहास में कई एक सोशल रिफॉर्मर्स ने
समाज में पनपने वाली बड़ी बड़ी बुराइयों को मिटाने के लिए बड़ी हद तक कामयाबी हासिल कर चुके हैं। जैसे लड़कियों को जिंदा दफन करने की रस्म, सती की रस्म वगैरह वगैरह। अगर इसी तरह सही कोशिश की जाए तो दहेज जैसी लानत को भी खत्म किया जा सकता है। इसके लिए अवाम के साथ हुकूमत का भी साथ दरकार है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हर कोई इस लड़ाई में अपना अपना ज़रूरी योगदान दे, ताकि आने वाली पीढ़ी आपके इस योगदान को याद करे और दहेज जैसी वबा से बचे। और हो सकता है कि ये योगदान आपकी आखिरत में आपकी नजात का सबब भी बने। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।